प्रदेश की खबरों का बात जयपुर की, जहां पर कमरा लॉक फिर भी कार्मिकों ने लगा दी रजिस्टर में हाजिरी। मेयर मुनेश गुर्जर ने पकड़ी कार्मिकों की कारगुजारी, दफ्तर आए नहीं, एक दिन पहले लगा दी एडवांस में हाजिरी। नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण, अधिकतर उपायुक्त और स्टाफ मिला नदारद। सुबह 9:45 तक दफ्तरों के लगे मिले ताले, जब खुलवाया दफ्तर और चेक किया रजिस्टर तो पहले से ही कार्मिकों ने एडवांस में लगा रखी है हाजिरी। तो ये बड़ी खबर, किस तरीके से जयपुर में कमरा लॉक रहा और उससे बावजूद भी कार्मिकों के तरफ से रजिस्टर में हाजिरी लगा दी गई। मेयर मुनेश गुर्जर ने इस कारगुजारी को कार्मिकों की पकड़ा है, दफ्तर आए नहीं एक भी दिन और एक दिन पहले ही एडवांस में सैलरी उठाने के लिए जो हाजिरी है वो लगा दी गई। नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। यहां पर दीपक गोयल जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से जो कार्मिक हैं वो बिना ऑफिस आए एडवांस में ही अपनी हाजिरी लगाकर निकल जाते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो शहरी सरकार की मुखिया को जानकारी का अभाव और दूसरा कार्मिकों की लेट लतीफी के कारण आमजन को परेशानी। कार्मिक देखिए कितने निकम्मे कह सकते हैं, निकम्मा शब्द इसलिए इसमें उपयोग किया जा रहा है क्योंकि उनका समय सुबह 9:30 से शाम को 6 तक का है। इसमें वो अपना काम करेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आप देखिए, जो आज 9:45 यानी कि तय समय से 15 बाद मेयर मुनेश गुर्जर अपने हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय, जहां पर वो खुद बैठती हैं, उसका आप निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर कार्मिकों की कारगुजारी सामने आई। उसमें देखिए कमरे का जिस दफ्तर का लॉक लगा हुआ था, अंदर रजिस्टर लगा हुआ था, लेकिन बंद कमरे लॉक कमरे के अंदर जो रजिस्टर रखा था उसमें एडवांस में कार्मिकों की हाजिरी लगी हुई थी। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कार्मिक एक दिन पहले ही अपनी हाजिरी रजिस्टर में लगा के और अपने दफ्तर से नदारद रहते हैं। पूरे नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में अधिकतर कमरों में ना तो कोई उपायुक्त पहुंचा था, ना ही कोई कार्मिक अपनी सीट पर मौजूद रहा। इस पर लेकर शहरी मुखिया ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ जो मुनेश गुर्जर का जो बयान आया है उसमें उनको कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव इसलिए है कि राज्य सरकार के जो आदेश हैं सुबह 9:30 से 6 तक दफ्तर खुलने के हैं, लेकिन मुनेश गुर्जर ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी है यदि आप सुबह 9 अपने दफ्तर के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो घर बैठिए। ऐसे अधिकारियों की नगर निगम हेरिटेज में बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि आप दफ्तर नहीं आएंगे तो लोगों का काम नहीं होगा और आपके कारण नगर निगम हेरिटेज के बुरे हालात हो रहे हैं। यानी कि वो खुद स्वीकार कर चुकी है कि सत्ता के अंदर कांग्रेस है, नगर निगम की बोर्ड कांग्रेस का है, लेकिन अफसरों के कारण जयपुर नगर निगम हेरिटेज का जो कामकाज है और ये कह सकते हैं कि ठप पड़ा है और कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन अब हेरिटेज मुखिया के इस बयान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि जब मुखिया को राज्य सरकार के आदेशों का नहीं पता कि कितने बजे दफ्तर खुलना चाहिए, कितने बजे दफ्तर बंद होना चाहिए और लंच टाइम क्या है, ऐसे में अब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों में यह है कि क्या अब सुबह 9 राज्य सरकार के आदेश माने या नगर निगम मुखिया के आदेशों को माने, क्या सुबह 9 ही उनको अब दफ्तर में पहुंचना पड़ेगा। इससे पहले देखिए, आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज में पार्षद पूरी तरीके से खफा हैं। निर्दलीय पार्षद चेयरमैन नहीं बनाने से लगातार नाराजगी उन्होंने झेलनी पड़ रही है। पूरे शहर के अंदर हालात बस से बदतर हो गए। बिल्कुल, सवाल जो है वो लापरवाही का है तमाम कर्मचारियों की भी, और मुनेश गुर्जर की तरफ से चेतावनी भी यहां पर दी गई है। हालांकि जिस तरीके दीपक ने कहा कि 9 का वक्त का वो जिक्र कर रही है अपने निर्देशों में, लेकिन वक्त 9:30 का है, इसे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीपक, आपका बहुत शुक्रिया।